Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अरे कौन है रे? ढीला थे इसका. अरे वही होगा कृष्णा. कौन कौन? देखो देखो वो पे है बदमाश नटखट करके. इसकी शिकायत मैं तुम्हारे भाई यहाँ से जरूर करूंगी. देख लेना. अच्छा दूसरी मटकी भी फोड़ू क्या? अरे भागो भागो ये कभी नहीं सुधरेगा. बड़ा मजा आया. हाँ हाँ बड़ा मजा आया. क्या यार आज तो कुछ मिल ही नहीं रहा है. तुम इधर जाके रखो. तुम इधर जाओ. तुम वहाँ जाके रखो. अरे गोपियाँ आ जाएंगी मारेंगी. ये तो बंद है. अच्छा माँ कन छुपा के रखा है. बंद भी है. अब मैं इनको बताता हूँ. अब क्या करेंगे कृष्णा? निकालो बंदूक. अरे कृष्णा बनने में देर है. अब कलयुग नहीं आया है. बंदूक नहीं संदूक कुत्तू. देखो अब मैं क्या करता हूँ. अरे इधर देखो इधर. बोलूंगी
आगे बोलूंगी। पहले ये तो देखो तुम किसे पकड़ लाए हो अपने साथ। आगे थोड़ा आराम कर लो। लगता है अपने सुनने पर मैंने देखा मैं पकड़ा था। ये कैसे हुआ? तुम्हारे जगह मेरा बेटा कैसे? देखो मेरा जलवा, क्या जानना चाहते हो कैसे मैंने बनाया ये हलवा? अच्छा तो सुनो, ये गोपी क्या तुझे नजर नहीं आती बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं? ठीक है, करती हूँ करती हूँ, चलो। हे गोपी, क्या तब से मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ दर्द कर रहा है, ले दूसरा हाथ पकड़। ठीक है दे। इस बार तो मैंने सिर्फ तुम्हारा बेटे के हाथ पकड़वाया था। अगली बार मुझे पकड़ने की कोशिश की तो किसका हाथ पकड़वाऊंगा जानते हो? किसका? तुम्हारा पति का। अच्छा अच्छा, अगली बार आओ फिर बताती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा, ऐसा भी 14 मुल्कों की गोपियाँ मुझे ढूंढ रही है। लगता है दासियां मेरे लल्ला को माखन नहीं खिलाते, आप मुझे खुद से ही माखन बनाना चाहिए। उसी वक्त नींद से उठकर रोते रोते कृष्णा कमरे से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कृष्णा को भूख लगी है। वो अपने माँ के पास आ जाते हैं, वे मैया से हट करने लगते हैं और दही के मंथन को पकड़ लेते हैं। अरे रुक जा, ये माखन तो तुम्हारे लिए बना रही हूँ। अरे रुक जा, अरे रुक जा थोड़ा और सबर कर ले। ठीक है आ जा। आध्यात्मिक जगत की हर वस्तु चिन्मय है, पद्म गंध का दूध सोचने लगा। अगर कृष्णा माँ यशोदा का दूध यूं ही पीते रहे तो उनका पेट भर ही जाएगा, तो मेरे जीवित रहने का क्या फायदा, मुझे खुद खुशी कर लेनी चाहिए। अरे भूल ही गई, पद्म गंध का दूध मैंने चूल्हे पर चढ़ाया था, कहीं दूध जल ना जाए। माँ के इस व्यवहार से कृष्णा आग बबूला हो जाते हैं और क्रोध से सोचने लगते हैं, मेरा कोई आदर नहीं है, मैं वैकुंठ छोड़ करके इसका बेटा बना और ये मुझे फेंक करके दूध बचाने चली गई, मैं तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। वो अपने दांतों से अपने होंठ काटने लगते हैं और मसाला पीसने वाले से मटका फोड़ देते हैं। कि उन्होंने गलती की है, अपने माँ के डर से आंखों में मिथ्या आंसू भर लेते हैं। और एक मटके को लेकर कुकर के ऊपर बैठ जाते हैं और माखन खाने लगते हैं। तभी कहीं से कुछ बंदर आ जाते हैं। तुम लोग भी खाओ। याद है मैं जब राम बकर में आया
अरे नहीं का मटका छूटा हुआ है और सभी सामान बिखरे पड़े हैं, ये क्या हुआ? अरे झटखट, तू यहाँ आके बैठा है और तूने मटकी भी फोड़ दी और तू ये मक्खन सारे बंदरों को खिला रहा है, बहुत नटखट हो गया है। रुक जा, अभी तुझे पता थी। वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने ये सोचा
अब मुझे अपने परम नारद के वचन को पूरा करना चाहिए। वे इन वृक्ष के बीच के मार्ग से जाने लगे, यद्यपि वे स्वयं मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का पोखल बड़ा था और उसके कारण दोनों वृक्षों से बीच फंस गया। जो ही उन्होंने बल लगाया, उसी जो ही दोनों वृक्ष के शाखाओं समेत धरती पे पृथ्वी पे गिर गया। इन गिरे टूटे वृक्षों से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए अपने आप को झुकाया। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं, इस दृश्य जगत के मूल स्रोता हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों सत् रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। यद्यपि आप माया के गुणों से वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतार में द्वारा ही जाने जाते हैं। ये शरीर असीम ऐश्वर्य बल सौंदर्य यश बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं, इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और यह इन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहें। जब नल कुबेर तथा मणिग्रीव ने अपनी प्रस्तुति समाप्त की, तो गोकुला के बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उल्लेख में बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को कृपा की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने केवल तुम्हें श्राप दिया है, तुम दोनों ने उनको भी दर्शन भी किया है। यदि वे बदजीव सही जग बस नारद, जिसे साधु पुरुष को सक्षात दर्शन प्राप्त करता है, ये जो सदैव गंभीर सतर को जन रहते हैं, तो तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। नलकुबर और तथा मणिग्रीव आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारा हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है। आप मुझे अपने पिता के पर साक्षात हो और भक्ति के कारण तुम इस जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात तुम दोनों ने भगवान को कई प्रतिमाएं की और पुण्य पुण्य प्रणाम करके वहां से चले गए, और भगवान उसी प्रकार पुण्य से बंधे रहे, वहीं पर रहे। बोलो भाई।
और बहुत सारे किसान जो मतलब पीछे से हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, सबसे पहले हमारे मृन्मय प्रभु सामने आ जाइए। वो जितना भी आप लोग डेकोरेशन देख रहे हैं यहाँ पर मटका उटका और जितना भी फूल लगाना, यहाँ पर भी आप लोग पेड़ देखेंगे, कृष्णा वाले जितना भी डेकोरेशन था वो हमारे मृन्मय प्रभु की है। और स्क्रिप्ट रूपम प्रभु और गौरव प्रभु और जीवेश प्रभु ने मिलकर किया है। और म्यूजिक भी हमारे देने वाले रूपम प्रभु, उनके लिए हरि बोल बोलेंगे। और सब टाइटल भी वही दे रहे थे। और हम लोग अब रिक्वेस्ट करेंगे जो लोग वॉइस जो पीछे से आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, पीछे से आवाज चल रहा था, उन्होंने कुछ किरदार में आवाज दिया है, वो लोग खड़े होके अपना नाम बताएंगे। पायल पटना, और हमारे कैमरा मैन अमित प्रभु के लिए हम लोग हरि बोल बोले। आप लोग सब अच्छा लगा ये ड्रामा? आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ड्रामा अभी तो थोड़ा हम लोग पहली बार कर रहे हैं, पहली बार एक साथ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत गलती होता है। तो आप लोग चाहते हैं कि ऐसा बार बार ड्रामा हो जिसमें हम लोग करें, तो एक बार दोबारा ऐसा और ड्रामा देखने के लिए एक बार हम लोग इस बच्चों के लिए और भविष्य आने वाले ड्रामा के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इसको अंत करेंगे। एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, शांति प्रभु की तरफ से करवाया गया था, तो नीतीश गांधी प्रभु के लिए हरि बोल।